नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इस समय चल रहा है इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक, यानी विश्व ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह। और इस सप्ताह में हमें पता चला कि जितने भी ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित मरीज हैं या जो सर्वाइवर्स हैं, उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाता है और कैसे उनको अवेयर किया जाता है ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर से ही संबंधित जो सामाजिक समस्याएं ये मरीज पे जो फेस करते हैं, साथ ही साथ उनको कैसे निदान मिल सकता है इन समस्याओं से, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू लेहान, जो कि पुनर्वास मनोवैज्ञानिक ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट एंड अवेयरनेस फाउंडेशन इंडिया से हैं। साथ ही हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं, सबसे पहली जो मेरी मेहमान हैं वो हैं खुशबू चंद्रावत जी, जो कि जिनके पुत्र हैं उनको ब्रेन ट्यूमर है और अभी उनकी रेडियोथेरेपी चल रही है। साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं शुभम, जिनकी माता जी हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और वो पूरा इलाज करवा चुकी हैं और वो ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम। बहुत 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 थैंक यू। तो डॉक्टर खुशबू, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक जो ये मनाया जाता है, ये कब से शुरू हुआ और ये क्यों मनाया जाता है, इसका मोटिव क्या है? सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस के द्वारा ये शुरू किया गया था। उसके बाद जितनी भी ब्रेन ट्यूमर से संबंधित संस्थाएं हैं, इस पूरे हफ्ते को इन संस्थाओं के द्वारा मनाया जाता है। और इस पूरे हफ्ते को मनाने का उद्देश्य है, जिस प्रकार से लोगों को अन्य प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी है, उसी प्रकार से ब्रेन ट्यूमर भी एक बीमारी है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जो मिथक हैं, जो तथ्य हैं, उनके अंतर को समझना, और इस तरह के जो परिवार हैं या इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है जिसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो कहां से उपलब्ध हो सकती हैं। और सबसे अहम इस पूरे हफ्ते का मोटिव रहता है समाज में ब्रेन ट्यूमर को लेके जो स्टिग्मा है उसको दूर करना। आपसे जानना चाहूँगी खुशबू जी, जब पहली बार आपको पता चला था कि आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, उस समय क्या आपने फेस किया, किस तरह का सिचुएशन आपकी फैमिली में बना और क्या क्या चीज़ें आपने उस समय फेस करी जब पहली बार आपको पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर? मैम, इसके स्कूल से मुझे पता चला कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। इसकी आई टेस्ट कराया क्योंकि इसको डीजी बोर्ड पे फोकस नहीं कर पाता था। मैम ने मुझे कंप्लेन किया कि इसका आई टेस्ट करा लीजिए। मैंने आई टेस्ट कराया, इसका सीटी स्कैन हुआ, उस दौरान मुझे पता चला कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद हम लोग को पहले कभी नहीं सुना और इतना शॉक्ड हो गए कि बच्चे को भी ब्रेन ट्यूमर इस टाइप से हो सकता है क्या। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो हमने सर्च किया कि सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कराएं, कहां कराएं, किस टाइप से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो फिर उसके बाद हमने आगे की प्रोसेसिंग की, इसका ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन किया, फर्स्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद ये ठीक था। उसके बाद में बच्चे को हम लोगों ने थेरेपी नहीं कराई थी क्योंकि मुझे लग रहा था बच्चा अब ठीक है, तो मैंने थेरेपी नहीं कराई थी इसकी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कराने को। उसके बाद नेक्स्ट में इसका जो ट्यूमर है वो ग्रो कर गया। फिर सेकेंड बार मुझे एक साल के अंदर अंदर फिर मैंने दूसरा इसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू इसकी थेरेपी करवा रही हूँ, जिससे मुझे पहले से बेटर लगा है बच्चा, क्योंकि ऑपरेशन के पहले बच्चा चल नहीं पाता था, लेकिन पहले से बेटा मेरा ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि ऑपरेशन और जो थेरेपी चल रही है उससे काफ़ी आराम मिला है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक इंसान को पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है या कोई भी बड़ी बीमारी है, तो उस समय उसको किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है? अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो एक बीमारी के बारे में पता चलने के बाद इंसान टूट जाता है, तो ऐसे में उसको किस तरह का सपोर्ट चाहिए होता है? बिल्कुल, जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी गंभीर परिस्थिति से या गंभीर बीमारी से बाहर निकलता है, और इवन जब उसको पता लगता है कि हाँ मुझे इस तरह की ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जैसा हमने बताया कि इसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं, इस वक्त उनको दोनों प्रकार से सपोर्ट की आवश्यकता होती है। पेशेंट को अपने परिवार की तरफ से भी सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है, और चूँकि पेशेंट और परिवार दोनों ही ऐसी मनोदशा में होते हैं, जो सर्जरी के प्रति भी भय है, चिंता है, घबराहट है, तनाव है, और साथ में व्यक्ति को एक होपलेसनेस हो जाती है, दोनों में ही सामान्य जो लक्षण पाए जाते हैं, तो दोनों इतने उस वक्त पे मैं कहूँगी कि कैपेबल नहीं होते हैं कि वो अपनी भावनाओं को
एक साथ मिलके उन चीज़ों को झेल सकें, इसलिए उनको एक प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, जिसमें यदि वो मनोवैज्ञानिक से उस वक्त मिलते हैं तो अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी मनोदशा में उस वक्त बहुत परिवर्तन होते हैं और उन सभी परिवर्तनों को स्वयं समझना बहुत मुश्किल है। तो आपका कहना है कि एक प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे मरीजों के लिए जिनको पता चलता है कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि कई तरह के सवाल उनके मन में उठने लगते हैं जब उनको पता चलता है कि हाँ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो सकता है, क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये सबसे। उसके बाद हमारे समाज का जो एक मैं कहूँगी नज़रिया है इस बीमारी को देखने का, कि यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ अब तो ये नहीं बचेगा जी, इसमें अब तो हो सकता है ये अब तो मानसिक संबंधित ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, इसकी क्षमता भी उतनी नहीं रही है जितनी वो पहले कर सकता था चीज़ों को। शुभम, आपसे जानना चाहूँगी कि जब पहली बार आपको पता चला कि आपकी माता जी को ये प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, क्या इससे पहले आपने इस बीमारी के बारे में सुना था? जब मेरी मम्मी को, आज भी मुझे वो दिन याद है, जब दिवाली की नाइट में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तब उन्हें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी, उल्टियाँ होना चालू हुई थी। उसके बाद हमने उसी दिन दिवाली की नाइट में ही मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ से डॉक्टर ने हमको सलाह दी थी कि इनकी एमआरआई आप करवा लीजिए। नागपुर में गए, मम्मी का एमआरआई कराया। एमआरआई कराने के बाद जो डॉक्टर ने हमको बोला, हम सारे सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आपकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है, और जो कि मैक्सिमम साइजेस में से, जो ट्यूमर का जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा था, 12 mm तक का साइज़ था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हमने फेस किया जैसे तैसे करके। डॉक्टर ने जो हमको बोला, डॉक्टर की जो सलाह दी हमको, हमने उसको फॉलो किया और मम्मी का ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि जब काउंसलिंग की बात आती है, कहा जाता है काउंसलिंग एक बूंद की तरह काम करता है एक मरीज़ के लिए, तो काउंसलिंग किस तरह से आप करते हैं जब आपको पता चलता है पेशेंट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कि कितना क्या उसका ट्रीटमेंट हो चुका है या चल रहा है या वो सर्वाइवर है, तो काउंसलिंग भी उसी टाइप से आप करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार की जिस व्यक्ति की दिक्कत परेशानी होती है उसी प्रकार से उसका इलाज भी होता है। और जब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स की या उनके परिवार की, तो इसका दोनों तरीके से इलाज अगर यदि करवाते हैं तो व्यक्ति और परिवार में एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा उन्हें मिलती है। सबसे पहले तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें या हम मानसिक संबंधित दिक्कतों और उनके इलाज की बात करें, तो इसका दो प्रकार से होता है। एक तो व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल रूप पे, एक परिवार के साथ, जिसको हम फैमिली काउंसलिंग कहते हैं। और सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं, इसमें साइकोथेरेपी का भी बहुत रोल होता है, इसमें साइको एजुकेशन का भी बहुत रोल होता है। उसके बाद ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी यानी कि एक तरह का सहायता समूह, उससे बहुत मदद मिलती है इन सभी परिवार को भी और व्यक्ति को भी, क्योंकि वो एक जैसे लोगों से जब मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूँ। तो सहायता समूह की आपने बात करी कि ये सहायता समूह जो होते हैं काफ़ी कारगर साबित होते हैं जो मरीज़ उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए। खुशबू, आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको इस बारे में पता चला था कि आपके बेटे को इतनी बड़ी बीमारी है, तो उस दौरान आपके मन में क्या क्या सवाल आया और कैसे आपने खुद को मजबूत किया और आप चल दी इस रास्ते पे जब आपको उसका इलाज करवाना है और उसको भी बार बार मोटिवेट करना है कि उसका मनोबल ना बिगड़े, क्योंकि एक छोटे बच्चे को जब बीमारी होती है तो पूरे घर का माहौल, मैं समझ सकती हूँ कैसा हो गया होगा, तो किस तरह आपने इस चुनौती को स्वीकार किया? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी पता चला उस टाइम में तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने बच्चे की तरफ देखा, वो इतना हिम्मत है, उसको मैं बार बार बताती हूँ कि जब वो ऑपरेशन में जाता है उसके पहले भी मैं उसको समझाती हूँ, बच्चा जब अकेले जा रहा है अंदर वो भी घबराता है, उसको मैं हिम्मत देती बेटा ऐसा नहीं, आपको अब ऐसे करना है, उसको सब कुछ पता रहता है कि अब मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। और इतना मैं अपने आप को मैंने संभाला इसको देख के, जब बच्चा इतना हिम्मत करके इतनी बड़ी सिचुएशंस में, मतलब कितनी बड़ी चुनौती का बस खुद ही सामना कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो एक माँ हूँ उसको हिम्मत देने के लिए। तो आज मुझे उसको देख के हिम्मत मिलती है कि बेटा मेरा आज शांत है, आज चुपचाप से चला जाता है रेडियोथेरेपी के लिए, मम्मा अब मैं टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, चल रहा हूँ, मुझे लेकर चलो, टाइम हो रहा है, वहाँ से मुझे कहीं भी ले जाना, वो एक है। आज मैं इस टाइम जो इतनी अच्छे से भी बैठी हूँ तो फिर सिर्फ मैं अपने बेटे की वजह से, क्योंकि उसने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है। आज मुझे लगता है मेरा बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि उसका कंटिन्यू मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, जिससे मुझे पहले से बहुत बेटर लग रहा है और मुझे आगे भी उम्मीद है कि मेरा बच्चा पूरे तरीके से भी ठीक हो जाएगा। तो यही मेरा उद्देश्य रहेगा मैम।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे हमने बात करी सहायता ग्रुप के बारे में, तो ये सहायता ग्रुप कैसे संगठित होते हैं, और अगर मैं बात करूँ ब्रेन ट्यूमर से जो ग्रसित है मरीज, उनके लिए जो सहायता ग्रुप बनते हैं ये कैसे संगठित किए जाते हैं? सबसे पहले तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में समझना आवश्यक है। ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप एक ऐसा समूह जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जो व्यक्ति है, उससे जो ग्रसित व्यक्ति है या उसका जो परिवार है, उनके लिए एक ऐसा समूह होना बहुत आवश्यक है जहाँ पे वो ऐसे लोगों से मिल सके जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या ठीक हो चुके हैं। और जब वो ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो उनमें हम की भावना आती है, और हम की भावना अपने आप में एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप भी इसी प्रकार का है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर से संबंधित पेशेंट और उनके परिवार वाले होते हैं। और इसको संगठित करने की यदि हम बात करते हैं तो इसे संगठित करना बहुत आवश्यक है। इसमें न्यूरोसर्जन भी हो सकता है, इसमें साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती हैं। शुभम, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने बताया कि आपको सबको पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है और काफ़ी साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, मैक्सिमम है, तो उसके बाद आपने क्या सोचा, क्या प्लानिंग करी कि कैसे आप उनका इलाज कराएंगे और कैसे उनका उनकी हिम्मत बनेंगे और इस पूरे जो भी चल रहा है उस चीज़ को संभालेंगे? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए होती है, एक विल पावर चाहिए होती है, और एक विश्वास चाहिए होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कैसे आपने इस परिस्थिति को संभाला? सबसे पहले मैंने मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैंने डॉक्टरों से सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह को मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया, सबसे अच्छा समझा मैंने, सारी चीज़ें दिमाग में मैंने रखी कि मुझे हाँ मुझे क्योंकि मुझे और किसी पे भरोसा नहीं था डॉक्टर के अलावा, क्योंकि इस बीमारी के बारे में मुझे पता नहीं है और डॉक्टर से ज़्यादा बेटर मुझे कोई बता नहीं सकता है। तो डॉक्टर जो कहा, डॉक्टर ने जो कहते गए मैंने वो करते गया, उसको अच्छी तरीके से निभाया। ऑपरेशन कराने के मतलब 15-20 दिन बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगी, मम्मी अच्छे से बात करने लगी, पहले जैसे उनको प्रॉब्लम होती थी वैसे अब नहीं होती है, काफ़ी अच्छी तरीके से मम्मी बातचीत करती है और नाम भी नहीं भूलती है, मेमोरी भी उनकी बहुत ज़्यादा, और काम वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, वो जैसे पहले काम करती थी वैसे भी अब काम कर लेती है। तो डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा कब समय आता है या कोई स्टेज होती है जिसमें जो जिनको ब्रेन ट्यूमर है, जो ग्रसित हैं, जो मरीज़ हैं, वो और उनके परिवारजनों को सलाहकार के पास जाना चाहिए या किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की बात करें तो सबसे अच्छा समय है जब उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हुई है, सबसे सही समय तो वही होता है। कई बार आम हम देखते हैं रोज़मर्रा में भी कि जैसे ही परिवार को या किसी व्यक्ति को पता चलता है कि इसका इलाज अब सर्जरी है, वो वहीं से ही घबराना शुरू कर देते हैं, वहीं से ही फिर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सर्जरी लेते ही नहीं है, उसके आगे का जो ट्रीटमेंट है वो करवाते ही नहीं है। यदि वो उसी टाइम पे मनोवैज्ञानिक से मिलते हैं तो उन्हें इसके प्रस्पेक्टिव के बारे में, जो ट्रीटमेंट होना है उसके बारे में सही जानकारी मिलती है, उसके साथ ही जो उसके साथ आने वाले जो मनोदशा में जो परिवर्तन होने हैं या उनके सामने जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनके बारे में पहले से ही पता लग जाता है, तो वो अच्छे से उन चीज़ों को डील कर सकते हैं, और जिस प्रकार की उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें मेडिकली ट्रीटमेंट हो जाता है लेकिन साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट को एड्रेस नहीं किया जाता है, तो वो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और जब वो ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि हाँ जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जिस प्रकार का उनको हुआ है, यदि वो उन्हीं से ही मिलते हैं तो उन्हें और मानसिक रूप से सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, जैसे वो अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनको एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने सर्वाइव किया है तो हम भी सर्वाइव। बिल्कुल, और इसमें सबसे अहम ये है कि यदि वो उस वक्त पे नहीं मिल पाते हैं किसी भी कारणवश, तो संकोच ना करें, उसके बाद भी मिल सकते हैं, सर्जरी के बाद भी या इलाज के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में वो रहता है कि मेरा इस प्रकार का इलाज हुआ है। हाँ, तो मैंने भी सुना है कि सर्वाइवर्स एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, उनकी स्टोरीज एक दूसरे को इंस्पायर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही वो एक दूसरे को बताते हैं कि इस प्रकार की मेरी भी सर्जरी हुई है, मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ है, तो उन्हें लगता है अच्छा इनका भी हुआ है, तो जब ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों को सिर्फ यही है कि ब्रेन ट्यूमर और कैंसर एक जैसी चीज़ें हैं, बट इनमें फ़र्क है।
खुशबू जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको पता चला था कि बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, उसके बाद आपने उसका इलाज शुरू करा है, इलाज के दौरान जब लोगों को पता चलता होगा कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है तो कई तरह की बातें लोग करते होंगे आपसे, नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी भी करते हैं और हौसले को भी कमज़ोर करते हैं, आपने कैसे फेस करे ये नेगेटिव कमेंट्स जो उस दौरान आते हैं? मैम, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे। कुछ लोगों ने बोला एक साल दो साल तक ही जो भी रहेगा, बस एक साल दो साल तक के लिए। उसके बाद मुझे भी डर लगता था, दिन भर वही क्वेश्चन, वही सवाल मेरे मन में, कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा। बट लेकिन अब जब मैं कंटिन्यू उसकी थेरेपी करा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। आज इसको तीसरा सप्ताह स्टार्ट हो चुका है थेरेपी के लिए। लेकिन आज, पहले मेरा बच्चा चल नहीं पाता था, लेकिन अब मेरा बेटा चल पाता है और पहले से बहुत ठीक भी है। तो मुझे इस चीज़ के लिए भी लगता हो, क्योंकि नेगेटिव जो सोच रखते हैं कि ऐसा एक साल तक या थेरेपी कराने से, क्योंकि मुझे बोला गया था थेरेपी कराओगे तो नहीं झेल पाएगा वो, एक दो थेरेपी में ही वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो उस टाइम मेरी जो सिचुएशन, आज मैं सबके सामने ये भी बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑपरेशन जब मैंने कराया था तो मैंने इसको, मुझे डॉक्टर ने कहा था थेरेपी कराने के लिए, बट मैंने इसकी थेरेपी नहीं कराई। मैंने अभी पहले ही बताया था, इसकी मैंने थेरेपी नहीं कराई थी, बट वो ग्रो कर गया। बट जब मैंने सेकेंड ऑपरेशन कराया, उसके बाद मैं इसकी थेरेपी कंटिन्यू कर रही हूँ। जो आज मैंने मिस्टेक की है, जो मैं आज मेरी लिए मिस्टेक मैं उसका सामना कर रही हूँ, वो कोई ना करे। जो भी अगर ब्रेन ट्यूमर अगर होता है बच्चे को, किसी को भी, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी थेरेपी करानी, तो प्लीज़ आप तुरंत जाएं और थेरेपी की जो स्टार्टिंग होती, प्रोसेसिंग होती, प्लीज़ वो कराएं। आज मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, वो मैं नहीं चाहती और भी पेशेंट हैं, और भी माँ होंगी मेरी तरह, वो इस चीज़ का सामना कर सकें। मैंने छोड़ा उसको, मैंने नहीं कराई, मुझे लगा बच्चा ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वो ग्रो किया और मेरी आज ये सिचुएशन हुई कि मुझे सेकंड ऑपरेशन उसका कराना पड़ा। जैसे हमने बात करी अभी ग्रुप्स की, सहायता ग्रुप्स की, कि वो बहुत अच्छा एक काम करते हैं। जब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो आपके पास अलग अलग तरह के किस्से लेके वो आते होंगे, तो ज़्यादातर आपने कौन से एक मुद्दे को देखा है कि जो बार बार उठ के आता है, जिसकी आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है या उनको समझाना पड़ता है? सबसे ज़्यादा जब मोस्टली जब परिवार वाले या इससे ग्रसित व्यक्ति आता है, एक तो वो अपनी बातों को किसी के सामने शेयर करते हैं तो उन्हें नेगेटिविटी मिलती है कि आपको तो इस प्रकार से ये दिक्कत हुई है और आप अब उतनी तरीके से उतने सक्षम नहीं हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा कि क्या इसके बाद मेरा जीवन कुछ हो सकता है आगे जी। क्या मैं इसके बाद अपनी चीज़ों को ढंग से कर सकता हूँ? और वही, और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि क्या मुझे ये बीमारी बार बार हो सकती है। इस बार बार इन चीज़ों को सोचने से उनको कई बार नींद की दिक्कत हो सकती है जी। उदास रहना शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी व्यक्ति के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। ये भी एक हो सकता है, सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स का ऐसा भी पाया गया है कि उनका सब कुछ हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, ट्रीटमेंट हो चुका है, उनको ये ही नहीं पता है कि मुझे किस प्रकार का ट्यूमर हुआ था और उसकी वजह से लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आगे, अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आप ये समझ लीजिए, आज की हमारी जो ये चर्चा है इसमें हमने यही आपको बताना चाहा कि कोई भी बीमारी को लेकर जो भी भ्रांतियाँ होती हैं उनको जल्द से जल्द आपको उनसे छुटकारा पाना चाहिए और जैसा डॉक्टर सलाह देते हैं वैसी सलाह हमें लेनी चाहिए। खास करके अगर बात करें साइकाइट्रिस्ट की, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास या एक काउंसलर के पास जाने से आप पागल घोषित नहीं हो जाते या उनके पास जाने से आपको संकोच नहीं या शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप सभी का, मेरे तीनों मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास चर्चा में आज इतना ही, और हमारा जो मोटिव है इस कार्यक्रम का यही था कि आपके मन में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनको दूर कर सकें और सामाजिक जो समस्याएं झेलते हैं ब्रेन ट्यूमर के मरीज़, वो कैसे उससे निदान पा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।